नमस्कार, शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। वक्त हो चला है मिस्टर चीफ मिनिस्टर का। इस बुलेटिन में हम आपको अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जुड़ी तमाम खबरें पहुंचाते हैं, कुछ योजनाएं, कुछ जानकारियां आप तक साझा करते हैं। बात आज करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। सीएम ने शिवारी नारायण गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करते हुए अधिकारियों की बैठक ली। मुलाकात कार्यक्रम के लिए शिवरी नारायण पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पामगढ़ विधानसभा में 26 विकास कार्यों जिनकी लागत 16,01,53 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। सीएम बघेल ने शिवरी नारायण में कुल 23,90,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल के साथ राम सुंदर दास, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, माटी कला बोर्ड के सदस्य पुनीता कुंभकार भी मौजूद रहीं। सीएम ने जिले के सभी पत्रकारों को दीपावली की अग्रिम बधाई देकर पत्रकार वार्ता भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव कोनारगढ़, गांव केरा और शिवरी नारायण में लोगों से मुलाकात की। वहां शिवरी नारायण में महानदी की गंगा आरती में भी शामिल हुआ। महानदी के तट पर भगवान श्री राम की सुंदर और भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे इसके गौरव और गरिमा के अनुरूप विकसित करने का काम हम कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी और साथ ही उन योजनाओं से जुड़े लाभ के बारे में भी जानकारी साझा किया। शिवरी नारायण में कल गंगा आरती भी किया और साथ ही भगवान राम के भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ। 25 फीट ऊंची वो मूर्ति लगी हुई, बहुत ही सुंदर, महानदी के तट पर लगा हुआ है। और बहुत सारे वहाँ घोषणाएँ भी की और जानकारी भी मिली। भेंट मुलाकात भी, बस इतना ही। आप लोग कोई सवाल हो? छत्तीसगढ़ में जो 15 साल मौका मिला था, इन लोगों ने राम के नाम से वोट लिया जरूर, लेकिन राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायके है, पूरे दुनिया में एकमात्र मंदिर है, रमन सिंह 15 साल में एक बार झांके तक नहीं। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रदेश देखेंगे, सच में अद्भुत प्रदेश है। मैं केवल कहने के लिए नहीं किया, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, पुरा संपदा, कृषि संपदा, प्रकृति ने भरपूर दिया है, भगवान ने भरपूर दिया है। सवाल केवल इच्छा शक्ति का था। आज अगर आप देखेंगे चारों तरफ शानदार सड़कें, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, आपने देखा। मैं एक एक चीज कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजय ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया। इस समय कोविड के कठिन दौर में इस साल मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ रेट रही है करंट प्राइजेज पे 19.76% रही है, हम देश में सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश एक समय था जब पर कैपिटा इनकम हमारी केवल 13,000 रुपी थी, 13,000 रुपया। मैं आज संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन हम आज 1,37,000 तक पहुंचे। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान 3.6% से बढ़कर 4.6% हुआ है। लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। सड़कों का जाल, पानी की व्यवस्था, आप सोच सकते हैं कि जब हमने सरकार बनाई तो ओवरऑल मध्य प्रदेश में सिंचाई थी 7.5 लाख हेक्टर, और वो केवल आजादी के बाद की नहीं थी, आजादी के पहले भी राजा, नवाब, अंग्रेज सब मिला के। हमारे मन में एक जुनून सवार हुआ कि बिन पानी सब सून,
खेती पे सब डिपेंड है, तो पहले पानी की व्यवस्था कर। आज हम पहुंच गए हैं 45 लाख हेक्टर पर और हम 26 तक 65 लाख हेक्टर तक पहुंच जाएंगे। मालवा निमाड़ हमारे मालवा प्लेटो काफी ऊपर है नर्मदा से, अब खींच के पानी ले गए, नहरों से नहीं जा सकता, तो प्रेशराइज्ड पाइप के जरिए हमारे पास सड़कें हैं, हमारे पास पानी, बिजली आती कम थी, ज्यादा जाती ज्यादा थी। लोग कहते थे बिजली नहीं आती, बिल ही आते हैं, छोटे मोटे नहीं आते, लंबे चौड़े आते हैं, बिजली के तारों से उंगली छुओ तो करंट नहीं लगता, बिजली के बिल देख के झटके लग जाते हैं। आज 24/7 हमारे पास भरपूर पावर है और लगातार हम काम कर रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं है। आगे पावर प्लांट विशेषकर सोलर प्लांट, अब आपने भी देखा प्रेजेंटेशन में रीवा में हमने जब बनाया था तो वो सबसे बड़ा था हमारा दुनिया का 7.5। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहे हैं, ये इन खेलों का 5वां संस्करण होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इन खेलों का आयोजन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्य खेल मलखम को भी खेलो इंडिया में जगह मिली है। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के ऐलान समारोह में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने मलखम की अद्भुत और अविस्मरणीय प्रस्तुति दी है, जिसे कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों ने खूब सराहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 28 खेलों के लिए 7000 खिलाड़ी और 5000 सहयोगी स्टाफ सक्रिय भूमिका में रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन खेलों की मेजबानी का मौका मध्य प्रदेश को दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में एक नई क्रांति पैदा करेगा। इस बार तो हमारे खिलाड़ी 66 मेडल लेकर आए हैं और मलखम में तो ओवरऑल चैंपियन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में खेलों का विकास हो रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवसर की प्राप्ति है और मलखम जो कि राज्य खेल है, खेलो इंडिया यूथ गेम का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि खेलो इंडिया को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये गेम जो हैं वो खेले जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज के दौर में मलखम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध खेल है। मलखम की प्रस्तुति को मेहमानों ने भी वहां पर सराहा। 28 खेलों में 7000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो कि कम आंकड़ा नहीं है, 7000 खिलाड़ी। और ऐसे में मध्य प्रदेश को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 18 खेलों के लिए 11 एकेडमी जो है बनाए जाएंगे और इसमें अलग अलग खेलों के बारे में तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्हें जानकारी दी जाएगी और उन्हें यहां पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो खेलो इंडिया की मेजबानी का अवसर मध्य प्रदेश को प्रदान किया है, हम खेलो इंडिया के आयोजन को जी जान से बेहतर ढंग से संपन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में हमने खेलों की अधोसंरचना खड़ी की है। हमारी 18 खेलों के लिए 11 अकादमी है। शूटिंग और वाटर स्पोर्ट्स जैसा अनुराग जी कह रहे थे सहित अनेकों खेलों के लिए हमने विश्व स्तरीय इंफ्रा तैयार किया है और खेल का लोक व्यापीकरण भी मध्य प्रदेश में हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बद्रीनाथ दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
सभी कार्यक्रमों की तैयारियों को देखने के साथ ही सीएम ने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का कार्य जोर शोर पर चल रहा है। बद्रीनाथ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहुआयामी निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बद्रीनाथ में संचालित मास्टर प्लान के कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश भी दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी के बद्रीनाथ पहुंचने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उनका स्वागत किया। इस दौरान समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी से मुलाकात की है। अजेंद्र अजय ने सीएम धामी को बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं और इस यात्रा सीजन ने अब तक रिकॉर्ड संख्या में आते यात्रियों की संख्या और अन्य जानकारियां दी है। तो आपको बता दें कि दौरे से पहले सीएम धामी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी तक यही प्रस्तावित है। और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया है पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने जानकारी ली है कि अभी कार्य कहां तक पहुंचे हैं। कार्यक्रमों का जायजा लेने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और साथ ही वहां के पुजारियों से भी बातचीत की पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आएंगे उत्तराखंड और जब खास तौर पर वो बद्रीनाथ धाम आएंगे तो यहाँ पर 11:30 बजे पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजदूरों के साथ साथ अन्य लोगों से बातचीत करेंगे, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही उन अधिकारियों से बातचीत की है और व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे, देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। और अब बात होगी गुजरात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गुटेरेस के साथ मिशन लाइफ की शुरुआत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने की अपील की, साथ ही कहा कि ये मिशन लाइफ हमें पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति प्रेरित करता है। आज भारत प्रगति भी है और प्रकृति भी है, उत्तम उदाहरण बन रहा है दोनों का ही। हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये आयोजन हमारे राष्ट्रीय गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे अहम फैक्टर है। गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जिसने सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि जब पीएम मोदी 2009 में गुजरात के सीएम थे तब देश में पहला क्लाइमेट चेंज विभाग की स्थापना की गई थी। आदिवासी विस्तार में दायकाओ सुधी पायानी सुविधानो अभाव रह्यो। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदीए आदिवासीओनी पीड़ानो अंत गुजरात में वन बंधु कल्याण योजना शुरू करीने लावी दीधो। आ योजना में 15 वर्ष में 1,00,000,000,000 रूपियाना खर्चे आदिवासी जिल्लाओं में अनेक माळखाकीय सुविधा उभी करवामां आवी छे। शिक्षण, आरोग्य, आवास, वीजळी, पीवानुं पाणी, सिंचाई, बारमासी रस्ताओ, आर्थिक विकास और शहरी विकास जेवा 10 मुद्दाओं पर ध्यान केन्द्रित करवामां आव्युं छे। एक समय आदिवासी विस्तार में ज्यां विज्ञाननी शाळाओनो अभाव हतो त्यां आजे आदिवासी विस्तार में स्मार्ट स्कूलों बनी छे।
રાજ્યના આદિજાતિ વિસ્તારમાં 102 જેટલી રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલો અને મોડેલ શાળાઓ કાર્યરત છે. કનેક્ટિવિટીની રાહ જોતા આદિવાસી વિસ્તારના ગામો 2 દશકામાં પાકા રોડથી જોડાયા છે અને હવે 4 લેન થવા જઈ રહ્યા છે. એક સમય હતો કે મહેનતુ આદિજાતિ યુવાનોને રોજગારી માટે પોતાનું ઘર છોડીને દૂર સુધી જવું પડતું હતું. और अब बात होगी देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज का दौरा किया. योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जनसंख्या नियंत्रण नीति के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी के संबंध में भागवत को औपचारिक रूप से निमंत्रण भी दिया है. संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिवसीय बैठक का आयोजन हो रहा है. इस बैठक में देश भर के कई राज्यों के 378 पदाधिकारी और 11 क्षेत्रों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं. संघ की ये बैठक 2024 के चुनाव से पहले काफी अहम मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में संघ विस्तार की योजना, जनसंख्या असंतुलन, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने और महिला सहभाग के विषय पर गंभीरता से मंथन कर रहा है. इसी के साथ इस बैठक में समाज के सभी वर्ग से संवाद और सामाजिक समरसता पर भी गंभीरता से चर्चा की जा रही है. तो आज की जो ये बैठक है कई मायने में खास इसको मानी जा रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया और इस दौरे में सबसे खास बात ये कि संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उन्होंने अपने विचार, अपनी बात भी रखी है. यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे. आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या को लेकर बातचीत की गई है, राष्ट्रभाषा को लेकर बातचीत की गई है. भागवत और योगी ने जनसंख्या नीति पर चर्चा की है और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है ये चर्चा, ये मुलाकात. योगी ने भागवत को दीपोत्सव में शामिल होने का न्योता दिया गया है क्योंकि अयोध्या में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दीप जलाए जाएंगे और लगभग 17 लाख दीप जलाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और ऐसे में उनको न्योता दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने. अब बात झारखंड की भी कर लेते हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय में U17 फीफा वर्ल्ड कप खेलकर लौटी झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया. उन्होंने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनका अनुभव भी जाना. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की और हर प्रकार की मदद का भरोसा दिया. सभी खिलाड़ी भी मुख्यमंत्री से मिलकर काफी खुश थे. मुख्यमंत्री से मिलने वाले खिलाड़ियों में भारतीय U17 टीम की कप्तान अष्टम उराव और सुधा अंकिता तिर्की शामिल थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करना और मैदान में दमखम दिखाना, महिला फुटबॉल में देश को विश्व पटल पर ले जाना गौरवान्वित करने वाला क्षण है. टीम इंडिया समेत झारखंड की हमारी होनहार बेटियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आप आगे बढ़े, आपका भाई आपके साथ है. दादा, आपने जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अधिकारी तैयार रहे, मैं कभी भी तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मैं हमने आपको बताया अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या जानकारी दी है, योजनाओं से कितना लाभ आपको मिलेगा. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है.